नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज के शो में मैं आपको बताऊंगा एक्सिस बैंक का यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। लाइव प्रोसेस आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, एक्सिस बैंक का यहाँ पे फ्लिपकार्ट के बेनिफिट के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं आपको अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, जो नया प्रोसेस आया है वो आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा कार्ड नहीं है, मैं अपने भाई का अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बाद में बोलेंगे कैसे यहाँ पे किए क्या है, वो सब यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट से अप्लाई करेंगे, जिसमें यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन शो हो रहा है। मेरे भाई का यहाँ पे देखिए सिविल मैं आपको बता दूँ 752 है, प्लस यहाँ पे दो कार्ड है, एक यहाँ पे SBI का BPCL है जिसमें यहाँ पे 20,000 की लिमिट है, दूसरा यहाँ पे जो कार्ड है ICICI का अमेजॉन क्रेडिट कार्ड है, 50,000 की लिमिट है। ये सब के वीडियो आपको मिल जाएंगे, आई बटन में देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे तीसरा कार्ड अप्लाई करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे जो ऑफर चल रहे हैं। तो माई अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखेगा फ्लिपकार्ट, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा। बेनिफिट आपको पता है, इसके बारे में क्या ही मैं बताऊँ, यहाँ पे आओ वैसे भी आप देख सकते हैं सब वही बेनिफिट यहाँ पे है, कुछ नया देखने को तो नहीं मिला है। सैलरीड पर्सन यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा वाले रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले जाएगा हमें, यहाँ पे देखिए तीन स्टेप में आपको यहाँ पे करना है, तीन स्टेप में आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस होगा। पहला यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर फुल नेम एंटर करना है जैसा कि आपके पैन कार्ड पे है, फिर इसके बाद यहाँ पे फादर नेम और जो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम, जेंडर, और आपका यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल आपको देना है, ठीक है। एक एक करके आपको यहाँ पे देना है, एजुकेशन भी दे देना है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, आप सैलराइड पर्सन है कि सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, सैलराइड है तो आपकी कंपनी का नाम और एनुअल इनकम आपको एंटर करना है, सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेम आपके ऑफिस का नाम और एनुअल इनकम जो भी है एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका रहेगा, करंट रेसिडेंट एड्रेस आपका यहाँ पे, फिर रेसिडेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे वर्क एड्रेस जो भी है आपका यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है। जो आपका यहाँ पे करंट रेसिडेंस यहाँ पे एड्रेस है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप डिलीवरी वगैरह मंगाते होंगे उसी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस टाइप आपका यहाँ पे जो पूछा जाएगा, आप किसके साथ रहते हैं, वो सब यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आपका यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस वर्क एड्रेस है वो सब सिलेक्ट करना है, और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, जो यहाँ पे दिया गया है उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए दो टिक करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, उस पर आपको टिक कर देना है चेकबॉक्स पे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। OTP को एंटर करते ही वेरीफाई पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, वेरीफाई बटन पे। वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, आपका प्रोसेस होगा, क्योंकि हमने तीन स्टेप यहाँ पे पूरा कर लिया, उसके बाद का आगे का प्रोसेस होगा जिसमें यहाँ पे वीडियो KYC वगैरह भी करना पड़ रहा है। इसमें कोई भी इनकम प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक तरफ से आपको यहाँ पे सिविल बेस भी दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया, हमको यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ए फ्लिपकार्ट, ये सबका मैसेज आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको दिया गया योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, प्रोसीड विथ स्टेप 5 कंप्लीट योर KYC, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए वीडियो KYC से कर सकते हैं, प्लस अगर आपका वीडियो KYC नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एजेंट से कॉल आएगा, वो सब यहाँ पे पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेगा, पैन कार्ड जो भी आपके पास है थम वगैरह लेके आपका पूरा प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो हम प्रोसीड विद वीडियो KYC करेंगे, यहाँ पे वीडियो KYC करके आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है इंटर आधार नंबर, आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा, वीडियो KYC यहाँ पे करना पड़ेगा। वीडियो KYC करने के बाद यहाँ पे जो पैन कार्ड है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करके यहाँ पे वीडियो KYC बस करना रहेगा। एक चीज़ और है, ये देखिए यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ था, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे देखिए वीडियो KYC का एक टाइमिंग है, ठीक है, आप 9 से 9 तक ही यहाँ पे कर सकते हैं, हर बैंक का यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे कीप योर ओरिजिनल पैन कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह सब कुछ रखे रहना, ठीक है। ओरिजिनल रखना, ओरिजिनल के बिना नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिनल नहीं देंगे
तो हो सकता है बाद में आपका रिजेक्ट भी हो जाए। तो उसके बाद आपको लोकेशन वगैरह यहाँ पे अलाउ कर देना है, जो क्रोम के साइड से चले जाना है। बहुत इशू आ जाता है कभी कभी कि यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होता, ठीक है। सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में साइड सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो लोकेशन है उस पर यहाँ पे इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन और कैमरा ये सब इनेबल करके आपका आगे का प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस होगा। तो अभी टाइमिंग थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो जब दूसरे दिन हमने यहाँ पे किया वीडियो को वाईसी, तो क्या हुआ, बार बार यहाँ पे ट्राई करने के बाद यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से है वो ऑप्शन हट गया। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से हम यहाँ पे जाते हैं अप्लाई करने के लिए, मतलब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में जाते हैं, आपको ऑप्शन देखना बंद हो जाएगा वीडियो को आईसी का, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया जाता है कंटिन्यू वीडियो को आईसी, ये सब का ऑप्शन दिया जाता है, वो हट गया। कि उसमें डायरेक्टली ये दिया गया है कि आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट, मतलब जो यहाँ पे है जो एजेंट है वो आएंगे आपका यहाँ पे KYC करेंगे, ऐसा ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एक दो जन का कि भाई अगर ऐसा हो जाए, जो मैंने यहाँ पे वीडियो को KYC करने गया लेकिन यहाँ पे वीडियो को KYC हुआ नहीं, बैक आ गया, तो उसमें यहाँ पे वीडियो को KYC करने का ऑप्शन हट गया, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। उस टाइम पे आपको एक मैसेज आता है जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से एक मैसेज दिया जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। वो मैसेज यहाँ पे देखिए, आपको एक मैसेज आता है एक्सिस बैंक की तरफ से जिसमें यहाँ पे वीडियो को KYC करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। और लिंक उसमें दिया जाता है, उस लिंक पर आपको क्लिक करके वीडियो ऐसे करना है, ठीक है, तब डायरेक्टली आपका हो जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे देखिए एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उस OTP को आपको एंटर करना है, एक्सिस बैंक की तरफ से आएगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए जो है आधार पिन, जो आधार का नंबर वगैरह डाल के OTP वगैरह डाल के आगे का प्रोसेस करना है। वीडियो KYC के लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, ठीक है, उसका अलग से वीडियो दे दूंगा, आप यहाँ पे कैसे करना है वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, क्योंकि एक डाउट यहाँ पे था जो यहाँ पे बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, कभी भी अप्लाई करते हैं किसी भी टाइम, उस टाइम में यहाँ पे वीडियो को वैसे नहीं हो पाता था, तो डायरेक्टली यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से वो ऑप्शन हट रिमूव हो जाता था। लेकिन फिर वो सोचते थे कैसे होगा, तो उसमें यहाँ पे क्या रहता था, ऑफलाइन यहाँ पे होता था, एजेंट आता था करता था, कभी कभी यहाँ पे कॉल नहीं आता था, बहुत लोगों को कॉल भी नहीं आता था, वेट करना पड़ता, बहुत दौड़ना पड़ता था, ठीक है, रिक्वेस्ट देते थे इधर उधर। तो वो मैसेज जो आपको मिला है ना, लिंक मिला है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने यहाँ पे वीडियो को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, जब तक आपके पास लिंक है उसको संभाल के यहाँ पे मैसेज को डिलीट ना करें, ठीक है। तो ये प्रोसेस था अप्लाई करने का, वीडियो को ऐसे अगर इशू आता है तो उसको यहाँ पे कैसे कंप्लीट करने का, ये मैंने यहाँ बताया। अगर अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना रहेगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको, और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड प्लस यहाँ पे एक्सिस बैंक से रिलेटेड आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आई बटन में वहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। जो भी डाउट रहे जरूर पूछना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।